लकी मरवत में जीओसी 9 डिवीजन मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी की सरबराही में सिविल और असली हुकाम और मरवत कौमी मशान पर मुश्तमिल जिरगे में इलाके में अमन व इस्तेकाम के क्याम बाहमी हमआहंगी के फरोग और दहशतगर्द अनासर की रोकथाम के लिए मुसलसल तजावीज़ पर मशावरत की गई। वादी तीरा के इलाके शिलोपर में मुनक्किद क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीर में मुकामी ब्रिगेड कमांडर ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और हौसला अफजाई के लिए खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके तबई सर में मुकामी यूनिट कमांडर और कलंदर वली शीरी और पंगोड़ा गाँव के मुशनान पर मुश्तमिल जिरगे में इलाके में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के सिलसिले में मौसर तदाबीर पर मशावरत की गई। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल के इलाके शिरानी में मुकामी यूनिट कमांडर ने मामा ज़ियारत गाँव के मलिक उमर शान से मुलाकात में इलाके में अमन इस्तेहकाम के क्याम के लिए मुकामी अमायदीन की जिम्मेदारियों पर बातचीत की। पाक फौज की ज़ेरे निगरानी मदरसा दारुल अय्यूबिया तिजोरी में तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें सब डिवीजन बेटनी मुख्तलिफ मदारिस के तलबा और कुरा हजरात ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। ज़िला कोरम के इलाके अली मंगोला में मुकामी कमांडिंग ऑफिसर ने मामूल के दौरे के दौरान सर सुरंग और हक तरह के मशरान से मुलाकात में इलाके में क्याम अमन तालीम के फरोग और दीगर मसाइल के हल के लिए इकदाम पर मशावरत की। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दोसली के इलाके गयूम में यूनिट कमांडर ने मायदीन इलाके से मुलाकात में इलाके में अमन और इस्तेकाम के क्याम और बाहमी हमआहंगी के फरोग के लिए मौसर इकदाम पर इतफाक़ किया।